प्रधानमंत्री के आह्वान पर बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में सामाजिक संगठन भी लोगों की मदद के लिए अब आगे आने लगे हैं, जहां सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ विजेंद्र कुमार, एसडीएम अश्विनी कुमार, डीएसपी मृदुला कुमारी की मौजूदगी में सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ बनाम इटखरी प्रखंड के दर्जनों गरीब मजदूर तबके के लोगों के बीच सिमरी बख्तियारपुर पावर हाउस प्रांगण में अल मदद फाउंडेशन के द्वारा मास्क, साबुन एवं राहत अनाज किट का वितरण किया गया। वहीं स्थानीय युवाओं के इस कार्य को लेकर डीएसपी मृदुला कुमारी ने सराहना की और गरीबों की मदद करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी और सभी लोगों से अपने अपने घरों में रहने के लिए अपील की है। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, एक जगह हम लोग राशन बांटने गए, वहाँ पर एक माँ अपने चार बच्चों के साथ थी, तो जब हमने राशन किट उसके हाथ में दिया तो उस माँ ने उस राशन किट को देखा और जो सबसे तंदुरुस्त बच्चा था उसका, उसको हमारे सामने दो थप्पड़ लगाया। और थप्पड़ लगाने के बाद हम लोगों से मैंने पूछा कि आप अपने बच्चे को क्यों मार रहे हैं, तो बोली बेटा क्या करें, ये बहुत खाता है, इसकी डाइट बहुत है। तो मैंने कहा जी एक माँ जो कि सोचती है कि उसका बेटा जो है तंदुरुस्त हो, खाए, अच्छा पौष्टिक आहार ले, हेल्दी डाइट ले, आज वो माँ चाहती है कि उसका बच्चा थोड़ा कम खाए क्योंकि उसके पास खाने के लिए इतना नहीं है, वो इस किट को 15 से 20 दिन चलाना चाहती थी। आपकी अमानत आपकी सेवा में, आपके द्वार पर घर घर राशन का संकल्प लेते हुए हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जिसमें हमारे हमारे सरपरस्त सैयद साजिद अशरफ है, हमारे बड़े भाई तहसीन भाई हैं, कुनकुन भाई हैं, हमारे मुनान भाई हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, तमाम लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी घर ऐसा न हो जाए, न जले। अब तक 5,000 परिवारों तक हम पहुँच चुके हैं।